काहे को बंद होगा अजान? अजान तो होगा, अजान भी होगा और तुम्हारा चालीसा भी होगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक कुछ नहीं, सबको करना चाहिए। सेकुलर देश हिंदुस्तान, सब आजाद है अपने अपने धर्म बनाने के लिए। हाँ, प्रतापगढ़ में कर दें, देखिए हम लोग भी देख लें, कर दें तो प्रतापगढ़ में उसका, जहाँ चंद जो है मुस्लिम है वहाँ उनको परेशान करते हैं, बिल्कुल। हाँ, वो प्रतापगढ़ में आए जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं और हिंदू भाई भी हमारे बराबर हैं, वहाँ पे आए ये लोग करें तो देखें हम लोग भी। कब तक ये करोगे? जुल्म की इंतहा भी होती है, जुल्म की इंतहा, जब जुल्म आगे बढ़ता है ना, उसके बाद फिर जो होता है ना वो फिर बहुत ख़राब होता है, वो अच्छा नहीं होता। इंतहा जब होती है, कोई जालिम जब जुल्म की हद कर पार कर जाता है ना, फिर उसे मिटना है, हर उरूज उरूज जो ऊंचाई है उसका जवाल भी ख़त्म भी होता है। आबाद नाम का लड़का पिछले महीने जेल गया आपसी विवाद में, जिसका FIR में नाम डाला गया पत्थरबाजी में, उसके बाद उसका मकान गिराया गया, ये कहाँ का संविधान कहता है? वो पत्थर जेल से आया मारने, वो जेल में है, जेल में है, पिछले महीने आपसी विवाद में जेल में है, शहबाज नाम का व्यक्त। जुल्म नफरत के अंधेरों को मिटाओ यारो, प्यार की शम्मा जमाने में जलाओ यारो, अपनी आंखों से ताशुब का हटा कर पर्दा, अपने भारत को तबाही से बचाओ यारो। नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो हम लोग हैं नहीं, यहाँ काफी दिनों से पहली बार ये सुन रहे हैं हम लोग, अजान से दिक्कत हो रही है, हनुमान चालीसा से दिक्कत हो रही है, ना तो हनुमान चालीसा से दिक्कत है हम लोगों को, ना तो अजान से दिक्कत है, हमारे सारे पूरा मोहल्ला हिंदू लोगों का है, हिंदू भाइयों का है, कभी कोई इतराज नहीं किए, पता नहीं कौन लोग हैं। प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों आपको बता दें, देश भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है, देश भर में लाउड स्पीकर से। कई जगहों पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने यह कहा है कि जहां जहां नमाज होंगे वहीं पर जो है हम लाउड स्पीकर से हनुमान जयंती भी मनाएंगे। देश भर में MNS चीफ राज ठाकरे ने जो कहा कि लाउड स्पीकर से अजान बंद होना चाहिए, और देश भर में योगी आदित्यनाथ, अगर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 20 दिन हो गए हैं, बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, आपको बता दें बगल में बेल्हा देवी मंदिर है और यहाँ पर भी हनुमान चालीसा जो है लाउड स्पीकर से ही होता है। क्या लाउड स्पीकर को जो है हनुमान चालीसा जो है लाउड स्पीकर से होनी चाहिए या फिर अजान दोनों बंद होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए? मुस्लिम समाज के लोग हैं, इस पे इनकी क्या राय है इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देश भर में ये मुद्दा गर्म है। कुछ लोग हैं जी, क्या लग रहा है चाचा, आज हनुमान जयंती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर से हनुमान जयंती भी बंद होनी चाहिए अगर अजान बंद हो तो। नहीं, ऐसा नहीं है, हनुमान जयंती भी लाउड स्पीकर होना चाहिए, अजान भी होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो नाथूराम गांधी जी को गोली मारे थे, 10% लोग RSS के, उन लोगों का ये है, और हमारे हिंदू मुसलमान सब एक हैं, 80% हिंदू नहीं चाहता कि अजान बंद हो या हनुमान चालीसा, दोनों साथ होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप बगल बेल्हा देवी मंदिर के पास रहते हैं जी, यहाँ पर भी जो है सुबह सुबह कहीं ना कहीं मंदिर से आवाजें आते होंगी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ अजान होती है, लोग सुबह उठते हैं, टाइम देख के अजान हो रही, लोग सुबह उठते हैं, मंदिर में कीर्तन होती है, इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं जी। नहीं, जो कार्रवाई होगी सरकार के 20 दिन हो गए हैं, क्या लग रहा है जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है? बुलडोजर वाली किसी भी संविधान के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, कोई कोर्ट कोई संविधान इनके पास रही नहीं गया है, कोर्ट का कोई मैटर ही नहीं रह गया है, अगर कोर्ट से कोई आदेश हो तो किसी के मकान गिराया जाए, किस दफा के हिसाब से गिरा रहेंगे, इसका मतलब है कोर्ट बंद कर दी जाए। पत्थरबाजी कह रहे हैं कि हो नहीं, पत्थरबाजी अगर मेरे घर में आप घुसेंगे तो मैं क्या करूंगा, अपनी जान बचाने के लिए पत्थर नहीं मारूंगा? बिल्कुल, और जो मस्जिदों में झंडा फहरा रहे हैं उसको नहीं देखा जा रहा है, ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, ये गंगा जमुनी का तहजीब हो है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि अगर तीन मई तक जो है डेट दे दी है, 3 मई तक, कि अगर जो है लाउड स्पीकरों से अजान बंद नहीं होती है तो हम उसको जो है बंद करवाएंगे। वो पागल हो चुके हैं, उनकी वाइफ को इसीलिए 36 टाके लगे हैं, जो कुत्ता काटा उनका पालतू कुत्ता, वो पागल हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं, 80% हिंदू चाहता है कि ऐसा कुछ ना हो, लाउड स्पीकर नहीं बंद हो, नहीं बंद होना चाहिए, ये तो RSS के चंद लोग हैं जो कि इस तरह चाह रहे हैं जी, ये सोची समझी रणनीति जी। क्या लग रहा है चाचा, आप कैसे देखते हैं, आज हनुमान जयंती है, लाउड स्पीकर से हनुमान जयंती बंद होनी चाहिए? नहीं भाई, हर धर्म को आज़ादी, हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान है ये गंगा जमुनी तहजीब है, सबको अपने धर्म की आज़ादी होनी चाहिए, हर शख्स कोई हनुमान जयंती मनाए या अजान दे, नमाज पढ़े, ये इतराज़ तो कभी नहीं रहा हिंदुस्तान में, ये कहाँ से पैदा हुआ ये खुद सोचना चाहिए हर आदमी को, ये कहाँ से पैदा हो रहा है ये बात पैदा हो रहा है। अजान पे भी कह रहे हैं लाउड स्पीकर से बंद होना चाहिए भाई, अजान बंद होना चाहिए, ये तो गलत, उनकी सोच गलत है, जिन लोगों की सोच गलत है, और हमारे हिंदू भाइयों को भी आगे आना चाहिए कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलत हैं, हम भी कह रहे हैं ना कि हमारे हम लोग बचपन से पैदा हुए यहीं पे, बेल्हा देवी की आवाज़ आती रही कानों में, भजन कीर्तन होता रहा, किसी को कभी कोई एतराज़ नहीं था, कि एतराज़ करने वाले कहाँ से पैदा
अगर वो ये तो खुद ही आदमी समझ सकता है ना भाई। जब बेला देवी मंदिर में जो है हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर से होती कोई दिक्कत नहीं, कभी दिक्कत नहीं रही रात में, यहाँ कीर्तन की आवाज़ आती थी कानों हम लोगों, कभी कोई दिक्कत नहीं थी भाई, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। बट इतना मैं कहना चाहूँ कि जुल्म नफरत के अंधेरों को मिटाओ यारो, प्यार की शम्मा जमाने में जलाओ यारो, अपनी आंखों से तासुब का हटा कर पर्दा, अपने भारत को तबाही से बचाओ यार। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे ना भाई, तो किसी दूसरे को वो जो जो गैर मुल्क है, जो हमारा दुश्मन है, जैसे पाकिस्तान, हम भी मानते हैं हमारा दुश्मन है, इनसे लड़ने की जरूरत है। अंदरूनी कोई अंदरूनी अंदर अंदरूनी अगर आप कलपसार पैदा करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, कि दूसरों को मौका मिलेगा ना, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा लगा कि और लड़ाई लगवाया जाए। यानी आप मानते हैं ना हनुमान चालीसा के लाउड स्पीकर बंद होनी चाहिए ना जान? कुछ नहीं, हर आदमी हर धर्म की आज़ादी थी, आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी हमेशा रहनी भी चाहिए, हम तो यही समझते हैं। जी क्या कहेंगे भैया जो राजनीति चल रही है? आप क्या सवाल कर रहे हैं? सवाल पहले लाउड स्पीकर से मामला ये है कि अजान बरात क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, ये भाजपा के कुछ लोग हैं, 100% लोग नहीं हैं, ये 4-6% है जो हरदम दंगा फसाद अशांति फैलाते रहेंगे। ये हिंदुस्तान है, चाहे जितनी आग लगाई जाए, आग ठंडी होगी एक थाली में हम खाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ज्यादा नहीं चलेगा, नहीं ये चलेगा नहीं, ये कोई फार्मूला एक दिन नहीं चलता है, ये कितने दिन हम आप लड़ेंगे भाई, हम आपको हमारे हमको आपको एक जगह रहना है, ये सब गलत बात है, ये सब अफवाह फैलाई जाती है, फैलाई जा रही है महंगाई को दबाने के लिए, जनता का ध्यान केंद्रित करने के लिए ये सब मुद्दा उठाया जाता। क्या बंद होना चाहिए? लाउड स्पीकर से अजान हो या काहे को बंद होगा? अजान अजान तो होगा, हाँ। अजान भी होगा और तुम्हारा चालीसा भी होगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक कुछ नहीं, सबको करना चाहिए, सेकुलर देश हिंदुस्तान, सब आजाद है अपने अपने धर्म बनाने के लिए। जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही मध्य प्रदेश, ये तो जबरदस्ती है, ये तो कोर्ट का काम है, किसी घर गिराना, ये तो जबरदस्ती गिराया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, कोई कानून नहीं है। पत्थरबाजी की गई जो है, पत्थरबाजी की गई, किसी घर में जाके गाली दोगे तो लोग क्या करें, कुछ नहीं पाएंगे, पत्थर नहीं मारेंगे, पत्थर मारेंगे, और जाके उनके घर पे गाली दोगे तो पत्थर मारते हैं। नहीं वो कह रहे हैं कि हम सड़कों से जा रहे थे, तो नहीं तो गलत बात, सड़कों पे नहीं, उनके ऐसा है कि शहबाज नाम का लड़का पिछले महीने जेल गया आपसी विवाद में, जिसका FIR में नाम डाला गया पत्थरबाजी में, उसके बाद उसका मकान गिराया गया, ये कहाँ का संविधान कहता है? वो पत्थर जेल से आया मारने, वो जेल में है, जेल में है, पिछले महीने आपसी विवाद में जेल में है, शहबाज नाम के व्यक्ति, वो जेल से पत्थर मारने आया, वहाँ गृह मंत्री कहता है मैं जेल अधीक्षक से मैं पूछूंगा कि यह जेल में है या बाहर है, जिसकी पिछले महीने FIR और जेल में है, वो CGM कोर्ट में उसने अर्जी दिया है बेल के लिए, तो वो कहाँ जेल से आया पत्थर मारने, जिसका घर गिराया गया, तो ये बदले की कार्रवाई, ये बदले की कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री मामा जी, मामा जी, इससे जी किसको फायदा होगा? इसका फायदा केवल ये देख रहे हैं कि मैं 80-20 कर दूं, लेकिन ये होने वाला नहीं है हिंदुस्तान में, अगर ऐसा किए तो बाहर के मुल्क जो है वो ताकतवर होगा, हम लोग कमजोर होंगे, ऐसा कर रहे जी, मैं भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान खाता हूँ, तो हिंदुस्तान मैं गुनगाऊंगा, न कि पाकिस्तान मैं गुनगाऊंगा। यानी कार्रवाई बदले की देश बदले की भावना हो रही है। यूपी में योगी कह रहे हैं कि 18 दिन हो गया बुलडोजर दोगुनी रफ्तार चल रहा है। नहीं ये बताइए आप, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोर्ट किस लिए बनाई गई है? कोर्ट किस लिए बनाई गई है? गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है किस लिए? 81-82 होना चाहिए, उसके बाद नोटिस होना चाहिए, तब किसी मकान गिराया जाता है। मान लीजिए मैंने क्राइम किया, तो मेरे घर वाले तो क्राइम नहीं किए हैं, घर एक आदमी बनाता नहीं है, परिवार के हर सदस्य मिलकर घर बनाते हैं, तो इसका मतलब घर गिरा दिया जाए? ये कांग नियम है, ये मतलब असंवैधानिक कार्य हो रहा है, बिल्कुल कार्य हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? आज इलाहाबाद में 5 लोगों की हत्या हुई, उनका घर क्यों नहीं गिरा दिया जा रहा है? जिन्होंने हत्या की जी, क्यों नहीं उनका घर गिराया? 5 लोगों की हत्या हुई, टोनी 8 लोगों को मार डाले, क्यों नहीं उनका घर गिराया गया? केवल गरीबों का है, गरीबों को हो रहा है, चुन चुन गरीबों को हो रहा है, और ज्यादातर एक समुदाय को बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? हम लोग भी BJP को, अटल बिहारी को हम लोग भी अपना नेता मानते थे, उनसे अच्छा नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं था। और ये वर्तमान बीजेपी बदले की भावना कर रही है, मैं इनको क्या अच्छा समझूं? 112 रुपये 125 रुपये पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं, कड़ुआ तेल जो है 200 रुपये में बेच रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग? तो मुद्दा ये सब होना चाहिए जी,
चलिए कुछ और लोग हैं जी चाचा भी थोड़ा जी, क्या लग रहा है आप बताइए, वर्तमान की जो राजनीति चल रही है इस पे आप कैसे देखते हैं? देश भर में अजान को लाउडस्पीकर बंद करो, कभी हनुमान चालीसा बंद करो, क्या गलत हो रहा है? हनुमान चालीसा भी होना चाहिए, अजान भी होना चाहिए, अजान हमेशा होती है, हनुमान चालीसा भी हमेशा होता था, किसी कोई तकलीफ नहीं थी। अब नया राजनीति हो रहा है, नए मुद्दा उठा रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, सब जबरदस्ती की बात है खाली, और कोई मामला है नहीं। ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, हम लोग एक हैं सब, एक तरफ रहते हैं हम लोग, एक मिलजुल के रहते हैं, ये सब गलत बात है। अच्छा योगी सरकार 20 दिन हो गए हैं, कैसा देखते हैं आप जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई, कुछ लोग इसे ठीक ठहरा रहे हैं, कुछ लोग इसे गड़बड़ ज़्यादा लोग गड़बड़े कहा था, गड़बड़े हो रहा है ज़्यादातर, जो ज़्यादा हम राजनीति जानते नहीं, लोग सुन रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है। आप बेला देवी मंदिर के पास रहते हैं, यहाँ सुबह सुबह जो है मंदिर में आवाज़ें, बेला देवी मंदिर के पास हमारा मकान है, आज तो नहीं, हम यही बुढ़े हो गए, तो क्या लग रहा है कि कोई बात, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब दिक्कत लोग बता रहे हैं, लेकिन अब कोई दिक्कत आज तक नहीं हुई, आवाज़ जो है जो आती है उससे कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आवाज़ आती थी, कोई दिक्कत नहीं है, अजान भी हमेशा होता, उन लोग कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा जी, अच्छा बेला देवी मंदिर के पास भैया किसका, आपका घर है? हाँ मेरा घर। क्या लग रहा है कि आप बगल में हैं, किसी तरीके से आवाज़ जो आती है मंदिर से उसमें कोई दिक्कत आपको? कोई आपत्ति नहीं। ये कहा जा रहा है कि अजान, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो सिर्फ अजान से इनको दिक्कत है, और बाकी मुस्लिम लोगों को न इनके हनुमान चालीसा से दिक्कत है, न इनकी कथा से दिक्कत है, किसी से नहीं, कुछ वो आरएसएस वाले लोग हैं जिनको सिर्फ अजान से दिक्कत है। यहाँ इधर मुस्लिम, इधर हिंदू, इधर मुस्लिम, आगे इधर से हम लोग सब लोग मिल के रहते हैं, अब कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई किसी को अजान से दिक्कत हो या किसी उनके हनुमान चालीसा से दिक्कत हो। ये सब चंद जो लोग हैं पैदा किए गए हैं इस बीच, कौन है ये लोग, इनको क्या फायदा? ये भाजपा के आरएसएस के लोग, चंद चार लोग पैदा हो गए, यही बातों को बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ भी ये मंदिर है, इसी रोड पे दो मस्जिद है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ बेला देवी मंदिर है, थोड़ा खराब लाइट है। क्या लग रहा है कि अभी शिवसेना मन से जो है महाराष्ट्र से ऐलान हो गया कि भाई अब इसको 3 मई तक बंद करो, नहीं तो हम जो है हाँ प्रतापगढ़ में कर दें, देखें हम लोग भी देख लें कर दें, तो प्रतापगढ़ में कहाँ जहाँ चंद जो है मुस्लिम है वहाँ उनको परेशान करते हैं, बिल्कुल हाँ, वो प्रतापगढ़ में आए जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं और हिंदू भाई भी हमारे बराबर हैं, वहाँ पे आए ये लोग करें तो देखें हम लोग भी कैसे करते हैं। यानी ये केवल राजनीति का मुद्दा है, चंद आरएसएस जो के लोग हैं जो पैदा किए गए हैं कि ऐसे करो तो हिंदुत्व जागेगा, मुसलमान हाँ मुसलमान को परेशान किया जाएगा तो हिंदू वोट बढ़ेगा, भाजपा की नीति है बस। और क्या लग रहा है इससे बढ़ता है वोट की केवल राजनीति, और क्यों नहीं बढ़ रहा है? अच्छा ये राजनीति करने से वोट बढ़ जाए? बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है भाई, मुसलमान घर तोड़ दे रहे हैं, न कोर्ट बची है, न प्रशासन बचा है, कुछ नहीं बचा है, न हम मतलब कोर्ट से सब कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ करे पहले कोर्ट जाता था, अब तो डायरेक्ट प्रशासन आ रहा है, तुरंत जेसीबी लगा के घर गिरा दे रहा है, ऐसे कभी हुआ है कहीं किसी के शासन में? गलत कार्रवाई है, बिल्कुल कोर्ट किस लिए कोर्ट बनी है? कोर्ट इसीलिए तो बनी है हमारी कि पहले न्याय जाइए, कहाँ जाइए, इससे कह रहे हैं कि जो है अपराधियों पर शिकंजा कसेगा, अपराध कम होगा, अपराध जिसको अपराध करना है वो अपराध करेगा, हमारी दुश्मनी किसी से है हम उससे निभाएंगे, इससे अपराध कम नहीं होगा, केवल कुछ नहीं कम होगा, केवल एक तरफा कार्रवाई हाँ मुसलमान के लिए, कोई अगर ठाकुर साहब बाबू साहब का घर हो तो उनका घर नहीं गिरेगा। अच्छा ये भी हाँ बिल्कुल, यहाँ प्रतापगढ़ से क्यों भाजपा नहीं MLC जीती, चुनाव अध्यक्ष का जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं जीती, और जौनपुर से क्यों अध्यक्ष नहीं जीती, क्यों नहीं जीती? राजा रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, बस बाबू साहब लोग का राज है, बस वो राज कर रहे हैं, चंद लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसी से सब हिंदू खुश हैं, वोट बैंक इनका बढ़ रहा है। जी आप कभी मंदिर के बगल घर जी, जी क्या लग रहा है आपका मंदिर के बगल घर है तो आपको किसी तरीके से अभी तक कोई हनुमान चालीसा या जो भी घंटे बज रहे हैं उससे कोई दिक्कत हुई? नहीं नहीं कभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो हम लोग हैं नहीं, यहाँ काफ़ी दिनों से पहली बार ये सुन रहे हैं हम लोग कि अजान से दिक्कत हो रही है, हनुमान चालीसा से दिक्कत हो रही, न तो हनुमान चालीसा से दिक्कत है हम लोगों को, न तो अजान से दिक्कत है, हमारे सारे पूरा मोहल्ला हिंदू लोगों का है, हिंदू भाइयों का है, कभी कोई इतराज़ नहीं किए, पता नहीं कौन लोग हैं ये कहाँ से आ जाते हैं, कहीं कोई बॉम्बे से फतवा जारी कर रहा है कि अजान पे, भाई उनको भी अपनी राजनीति दिखानी है, राजनीति करने की उनकी भी एकदम ख़त्म हो गई, उनकी भी राजनीति, अब उनको भी ऊपर उठने के लिए कुछ नहीं समझा तो अजान का मुद्दा उठाए, इसीलिए भाई देख रहे हैं कि जो जितना कट्टर होगा, जो जितना मुसलमानों को काटने मारने की बात करेगा उसकी पार्टी उतना उभरेगी उभरेगी, तो उसी हिसाब से वो भी अपना नहीं तो क्या लग रहा है उभरती है कि नहीं इससे पार्टी? नहीं उभर तो भाई अभी बार तो रहे हैं, बार 80-20 विरोध भर के जो है पार्टी अपनी बड़ी कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, मुसलमानों को डर दिखा के
और ये मीडिया के जरिए। अच्छा, मुस्लिमों का डर दिखा के क्या लग रहा है, पार्टी बड़ी हो जाती है? पार्टी क्या बड़ी हो जाएगी, अब यहाँ हमारे हिंदू मुसलमान जो भी हैं उनको खुद समझना चाहिए कि ये गलत हो रहा, जो हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही कतई गलत है। जो आज आपके पास हो रहा है वो कल उनके पास भी होगा। कब तक ये करोगे, जुल्म की इंतहा भी होती है, जुल्म की इंतहा, जब जुल्म आगे बढ़ता है ना उसके बाद फिर जो होता है ना वो फिर बहुत ख़राब होता है, वो अच्छा नहीं होता। इंतहा जब होती है, कोई जालिम जब जुल्म की हद कर पार कर जाता है ना फिर उसे मिटना है, हर उरूज उरूज जो ऊंचाई है उसका जवाल भी ख़त्म भी होता है, वो ऐसा नहीं है नहीं ख़त्म होगा। चलिए, एक दुकानदार हैं जो कि मंदिर के बगल ही घर है, भैया हटिए जाए, क्या लग रहा भैया आप जो है मंदिर के बगल आपका ये दुकान है, आप काफ़ी दिन से रहते हैं, मंदिर भी घंटियाँ भी बजती हैं और लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं आपको? दिक्कत तो कोई नहीं होती है, नहीं दिक्कत नहीं होगी। तो मानते हैं कि जो चीज़ लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा होना चाहिए? होना चाहिए, हम लोग अपने धर्म से मनाते हैं, वो लोग अपने, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोग को अजान होते वो उस पर रोक टोक क्यों लगाए जा रहे हैं? अजान भी होनी चाहिए, हम बैठक मंदिर के बगल घर है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए, ये देखिए बेला देवी मंदिर के बगल जो है इन लोगों का घर है, इनका कहना है कि हमें मंदिर के ना तो घंटों से ना तो लाउड स्पीकर से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपने सुझाव देना ना भूले, जो राजनीति महाराष्ट्र से चल रही है, अजान पर बैन, लाउड स्पीकर से बैन होना चाहिए, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही।